मेरे आका ने फरमाया अली तीन दिन तेरे दरवाजे मिस्कीन नहीं आंदा रहा, मिस्कीन बन के जिबरील आंदा रहा। दिन तेरे दरवाजे मिस्कीन बन के जिबरील आया, अर्ज की कमली वाले क्या जिबरील मिस्कीन है। फरमाया इन जिबरील मिस्कीन ना समझे, आज 124,000 नबियां दा साहबी है। पूछा जिबरील क्या मिस्कीन है, कह लगा मैं बैतुल ममूर दा खतीब। अर्ज की अल्लाह क्या जिबरील मिस्कीन है, आख्या सारी आसमान किताबां दा आलिम ते हाफिज है। अर्ज की कमली वाले आओ जिबरील मिस्कीन क्यों फरमा रहे हो, जिबरील वालों आवाज आवेगी दुनिया वाले हो, उज मैं 124,000 नबिया का सहाबी हाँ, आसमानी किताबा का आलिम ते हाफिजा, उज ते मैं बैतुल ममूर का खतीब। पर जो नबी की बेटी जारा का बुआ आ जाए, मैं जिबरील बन के नहीं आता, मिस्कीन बन के दसना चाहना। नबी दे धी दे बुए ते मिस्कीन बन के रे आ जाए, जो मंगोगे मुहम्मद की बेटी अता कर देवे। जबान जड़ वेले माई दुद्ध प्याला लेके आ गई, इमामे हसन ने पी लिया, इमामे हुसैन ने पी लिया, दोवें भी टुरन लगे, माई रोन लगे पई ते रो के कहन लगी, वे जांदियां दस जो केड़ी मां दे लालो, वे जांदियां दस जो केड़े बाप दी औलाद। इमामे हसन नूं कहन लगी, वे सुनिया वे जांदी वारी दस जाओ, कदे मिलन नूं जी करे किथे आवां। इमामे हसन ने फरमाया, अम्मा कदे मिलन नूं जी करे मदीने आ जाई। ते माई कहन लगी, वे जांदियां दस जाओ हुंदे कौन। मुड़ के कहन लगी, अम्मा जे कदे मिलन नूं जी करे मदीने आ जाई, ते दाएं बाएं ना जावी, मुहम्मद दे पुत्रां दा वेड़ा पुछ किया। बड़ा लजपार है तेरा घराना पलता है जमाना या। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लो अलैहि व सल्लमो तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिक व सहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين। الله رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا शाफी रोज़ जज़ा नबी करम शफी मौज़म ताजदारी बतहा सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बाईस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वबारक वसल्लम। अदबाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजदा पकीदा इज्तिमा बसिलसिले सालाना अजीम शान महफले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बउनवान महफले गुलशन सना आदि इस इलाका शेल्टन मार्की नज़द गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला दे दरी निकात पजीरे
मैं शुक्र गुजार हाँ अज की इस महफिल मुबारक दिबानी मुहतरमुल मुकाम इज्जत माप जनाबी राणा उस्मान मुद्दसिर साहिब जनाबी हाजी मोहम्मद अफजल साहिब और इन्हां दे दीगर तमाम अहले खाना और इन्हां दे दीगर तमाम मुआविनीन जिन्होंने इस महफिल मुबारक का अहतमामो इंसलाम फरमा के मैनू और आप अहबाब नू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र खैर का मौका मुयसर फरमाया। महफल दी जीनत और मेहमान खसूसी मोहतरमुल मुकाम इज्जत माप जनाबे मुहम्मद वकार जंदरान साहिब और दीगर तमाम मुअज्जिज़ीन तशरीफ फरमाने दुआगो हाँ कि रब ताला उस रात का सदका जिस रात की सुबह नू हजूर अपनी माँ की गोदी तशरीफ लेके आए उस रात का सदका अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। नकीबे माफिल नकीबे मिल्लत मेरे बरादरे मुकर्रम जनाबे अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब अपनी नकाबत दिल पजीर नाल आप अहबाब नू महजूस फरमा रहे ने सना खाना ने मुस्तफा अपनी अपनी हाजरी पेश फरमा रहे ने अजीजा मोहतरमल मुकाम जनाबे मोहम्मद मुबशिर लिबर्टी साहिब चंद्राए लाहौर तो तशरीफ लेके आए भाई सजा शहजाद साहिब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगज दुआए अल्लाह सब दा उना अपनी बारगज कबूल फरमाए। वक्त की किल्लत है मैं बात बिला तमहीद शुरू कर रहा हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी इस आयत मुबारक के ज़िमन के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बचपन में बीमार हो गए बुखार आ गया। नबी करीम ने खबर मिली कि दोतरे बीमार ने नबी करीम सहाबा दे नाल अपने दोतरियां दी तीमारदारी वास्ते तशरीफ लेके आए। किसे सहाबी ने मौला अली नु मशवरा दिता कि तुसी अल्लाह दी बारगज को मन्नत मन लो कि रब तुहाडे पुत्रां नु शिफा देवे। मौला अली ने फरमाया अल्लाह मेरे बेटियां नु शिफा देवे ते मैं तीन रोजे रखांगा। सैयद ज़हरा पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह मेरे बेटियां नु शिफा देवे ते तीन रोजे मैं भी रखांगी। हजरत बीबी फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा लगियां हसनैन करीम ठीक हो जावन ते तीन रोजे मैं भी रखांगी। और एक रिवायत आंदा है हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह शिफा देवे ते तीन तीन रोजे असी भी रखांगे। अल्लाह ने हसनैन करीम मैनू शिफा अता की पहले रोजे की वारी आई ते नबी दे सारे खानदान वाले रोजा रखिया। मौला अली रोजे की अफतारी वास्ते कुछ सामान लेके आए। सैयद ज़हरा पाक ने दस्तरखान सजाया ते ऐन अफतारी दे वेले दरवाजा खटकिया पुछया कौन आवाज आई एक मिस्कीन आया ते नबी दे घर वाले कुछ खामन नु अता करो। मौला अली ने सारा दस्तरखान उठाया ते उस मिस्कीन नु अता कर दिता। पहला रोजा पानी नाल रखिया ते पानी नाल इफ्तार किया दूसरा रोजा पानी ना रखिया ऐन अफतारी का वेला आया ते दरवाजा खड़किया पुछया कौन आवाज आई एक यतीम आया नबी दे घर वाले कुछ खावन नु अता करो। शेरे खुदा ने सारा दस्तरखान उठाया ते मंगते नु अता कर दिता। दूसरा रोजा भी पानी ना रखिया ते पानी नाल इफ्तार किया तीसरा रोजा पानी ना रखिया ऐन अफतारी का वेला आया ते फिर दरवाजा खड़किया पुछया कौन आबाद आई एक कैदी आया कि नबी दे घर वाले कुछ खावन नु अता करो। मौला अली ने तीसरे दिन भी दस्तरखान उठाया ते मंगते नु अता कर दिता। मगरिब दी नमाज पढ़ के मौला अली घर आए ते वेख्या जो तीन दिन दा फाका ते जिस्म च नकाहत ते कमजोरी आ गई। इधर मौला अली घर आए ते उधर नबी करीम अलैहि सलाम भी मौला अली दे घर आ गए। आके फरमाया अली ते ज़हरा अब तीन दिन की कर दे रहे हो। अर्थ की थी या रसूल अल्लाह असी तीन दिन अल्लाह की बारगज खैरात कर दे रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया खैरात तुसी अपने वेड़े कर दे रहे हो ते रब कुरान मेरे वेड़े उतारता रहा है। अर्थ की थी या रसूल अल्लाह अल्लाह की फरमा दे उस वेले मेरे नबी ने इस आयत मुबारक की तिलावत फरमाई। हुन पढ़िए कुरान ते मौजूद आगाज करिए भाई उच्चा सारे बोलो सुभान अल्लाह। जंदरान साहब कह रहे ने 30 मिनट मैंने इशारे कर रहे सन दो दा पता नहीं होना दो दा की मतलब है मगर मैं कोशिश करनी है बस जल्दी तो जल्दी मैं अपनी बात नु मुकम्मल करा।
मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अज मेरा दिल करता मैं तुहानू नबी ते नबी दी आल दी सखावत सुना के जावां। अपना ते नाल दे दा हाथ चुके इनी उची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज जावे ना भाई ना कहीं बेली अजे हाथ नहीं चुके नाल दा बेली चुको ते जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले ते साने स्टेज वाले बोले इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज उमरे दे सारे टिकट वही लै जावे। ते तेरा की जानदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफल च सोने का दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जाए सुबह लोग पुछन तेरे गले नु की होया अखी राती गुलशने सना विच गया सा नबी पाक दी शाना बयान होदी आ रही मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। ए यकीनन ए मर की ये इत्थे शादियां होदियां ने अज तो बाद इत्थे जदू शादी होवे हौला आवे ते बराती आवन उन्होंने दीवारों चो सुभान अल्लाह की आवाज़ सुनाई जाए तो उन्होंने याद आवे इतने कोई मिलाद की महफल हुई सी सुननी सुभान अल्लाह कह के गए सन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया भाई यतीमो नता माला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूर। परवरदिगार ने फरमाया ओ जेड़े अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर कदे यतीम नु खिला देने कदे मिस्कीन नु खिला देने कदे कैदी नु खिला देने। नबी करीम ने फरमा ली तीन दिन कौन आंदा रहा अर्द की दी कमली वाले कोई मिस्कीन ते यतीम आंदा रहा। मेरे आका ने फरमाया अली तीन दिन तेरे दरवाजे मिस्कीन नहीं आंदा रहा मिस्कीन बन के जिबरील आंदा रहा। तीन दिन तेरे दरवाजे मिस्कीन बन के जिबरील आया अर्द की थी कमली वाले क्या जिबरील मिस्कीन है। फरमाया इन जिबरील मिस्कीन ना समझे आज 124 नबिया का साहबी है। पूछा जिबरील क्या मिस्कीन है कह लगा मैं बैतुल ममूर का खतीब हां। अर्द की थी अल्लाह क्या जिबरील मिस्कीन है आख्या सारी आसमान किताबा का आलिम ते हाफिज है। अर्द की थी कमली वाले आओ जिबरील मिस्कीन क्यों फरमा रहे हो जिबरील वालों आवाज आवेगी दुनिया वाले उज मैं 124 नबिया का साहबी हाँ आसमानी किताबा का आलिम ते हाफिजा उज ते मैं बैतुल ममूर का खतीब हाँ पर जदू नबी की बेटी जारा का बुआ आ जाए मैं जिबरील बन के नहीं आता मिस्कीन बन के दसना चाहना नबी दे धी दे बुए ते मिस्कीन बन के रे आ जाए जो मंगोगे मुहम्मद की बेटी अता कर देवे जो मंगोगे सबूत तो मुस्तफा की धी अता करेगा जेड़ा उस बुए का मंगता उच्चा बोले सुभान अल्लाह। नहीं बोले तुसी हाथ चाहो तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हों लगता मैं शल्टन मार्की च बैठा बेशक ना बोले जिन्हों लगता मैं नबी पाक दे गुंबद खिदरा दे साए थले मगता बन के बैठा ते नबी दे पुत्रां दा सदका लेना आ ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। जिथे जिबरील भी मंगता के मिस्कीन बन के आवे मैं उस दरवाजे का जिक्र कर लगा जिबरील नाले खैरात लेके जाता है नाले खैरात लेके जाता है ते नाले पढ़ता जाता है बड़ा लजपाल है तेरा घराना यार रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल बड़ा लजीफ़ है तेरा
टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। शैतान मार की जाओ न बाल तुम्हें हाथ बुलंद कर लो। जेड़ा जेड़ा नबी दा मंगता बन के बैठा है नबी दे पुत्रां दी खैर मंगे एडियां हयामा वाला मेरा नबी है खाली नहीं जान देंदा। हाथ बुलंद करके मिलके आखो बड़ा लजपाल है तेरा घराना जुबान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है घर वाले तेरी खैर होवे असी ना तवज्जो करिए तो कहंदा तेरे कारोबार की खैर होवे ना तवज्जो करिए तो कहंदा तेरे बच्चियां की खैर होवे। जदू आवे ना बच्चियां की वारी दिल करता कुछ दे ही देव मेरे बच्चे की खैर पे मंगता है। मैं अर्ज की जे तेरे को मंगना हो अल्लाह परमा लम याली दवा लम यू लद बच्चे मेरे कोई नहीं ते अर्ज की फिर तेरे को किवे मंगा। अल्लाह फरमांदा मेरे ते बच्चे कोई नहीं एक मेरा यार है उसके बच्चों की खैर मंगता भी जो मंगेगा दे देवगा। हुण अखियां बंद कर लो हाथ इंज करके इस तरह नहीं इंज मंगते दा काम है सदा देना। आवाज गदा रौनक के दरबार करी मस्त यार गदावां दी आवाज जिहड़ी सखियां दे बूवे दी रौनक हुंदी है। इंज करके हाथ बुलंद करो इंज करके सारे करो ना जिहड़े मंगते हजूर दे जिहड़ा कमाई ते पलदा बेशक ना बोले जिहदा लंगर मदीने आउंदा ना वह बंदा इंज करके हाथ खड़े करे। हुण मिल के सारे तुसीं पढ़ो ते मैं सुनाऊं मिल के सारे पढ़िए बड़ा लजपा है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। पलता है जमाना या हुण मैं आसान करके जुमला अर्ज करन लगा। साडे पंजाब विच बच्चा पैदा होवे ना हजी साहब अल्लाह तुहाडे बेटे नूं बेटे अता करे नबी पाक दे पुत्रां दा सदका। मेरी मिल्लत दे नौजवान बच्चा पैदा होवे ते मां दा दिल कर दे इनू नाना गुड़ती दे या इनू दादा गुड़ती दे या इनू नाना गुड़ती दे। बाप दा दिल करदा दादा गुड़ती दे या चाचा गुड़ती दे। अल्लाह करे इन्हां दे घर विच रब पुत्र अता करे जेड़ा गुड़ती दे मां कहती है दादे ते गया चाचे ते गया नाने ते गया मामू ते गया। मैं सच्ची दस वह गुड़ती जेड़ा देवे बच्चा ओदे ते जांदा है जिन्होंने गुड़ती मुहम्मद को ले सी उन्हें मुहम्मद से नहीं सी जाना तो होर कि जाना फिर उन्हें मुहम्मद से जाना से ना और जिन्हें गुड़ती चो मुहम्मद की जुबान के चूसे ले आन फिर उन्हें भी तो मुहम्मद से जाना से ना। उन्होंने नाने सखावत करता वेख्या नाने सखावत करता वेख्या मेरा दिल करता मैं तुम्हें सुना ही देव उन्होंने नाना एडा सखी है एडा सखी है इस फलक दी ते सूरज दी अख ने इस धरती ते कायनात दे अंदर मुहम्मद वर्गा सखी नहीं वेख्या। एडा सखी है मेरा नबी 10,000 बकरियां किनिया 10,000 बकरियां मेरे नबी नु किधरों हिस्सा मिलिया
हदीसे पाक चशारहीन फरमांदे ने दो पहाड़ा दे दरमियान जिहड़ी जगह सी ना ओ बकरियां नाल भर गई। मेरे नबी मदीने दी गली च जा रहे, अज सारे दुआ करो ना सखियां दे बूवे ते मंगते बन के आया। इस माफल दा सदका अल्लाह हाजी साहब नु पुत्र अता करे, बेड़ियां दी रौनका देवे, अल्लाह सैयदा ज़ादा दे पुत्रां दा सदका अता फरमा देवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 10,000 बकरियां एक यहूदी मीना मार के कहन लगा मुहम्मद बड़ा अमीर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया झल्या तो मुहम्मद की अमीरी अजे वेखी का दिए। कहन लगा होर अमीरी किनू कहंदे ने, 10,000 बकरियां मिल गईयां। फरमाया झल्या मेरी अमीरी ए नहीं कि 10,000 बकरियां मैनू मिलियां है, फरमाया मेरी अमीरी एवे जा मुहम्मद ने सारियां तेनू दे दित्तियां ने, 10,000 बकरियां ले जाए नाले मुहम्मद का कलमा पढ़ी जाए ते नाले जांदा आखे लोगो जाओ जाके मुहम्मद का कलमा पढ़ लो, मुहम्मद इन्ना रज रज के देता जे गरीब भी ना खौफ ही मुका देता जे, तेरी सखावत तो सदके, तेरी सखावत तो सदके। पर ओ जिन्ना गुड़ती मुहम्मद नु लई इजाजत होवे तो ना दी सखावत सुनावा, ओ जिन्ना दी मां सखिया, ओ जिन्ना दा बाप सखी, जिन्ना दा नाना सखी, ते कायनात दे आप सखी अल असखिया एडे वड्डे सखी। तुम्हें वीर हज करन मदीने तो मक्के वाले जा रहे, हाजी साहब राणा साहब वकार साहब भाई तो मैं वीर हाज कर जा रहे इमाम हसन ते हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। मेरा दिल करता पहले मैं गुड़ती सुनाई ना देवा, थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ ना चुके मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। बे मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया नहीं जिदा मुर्शिद मौला अली है वह बोले सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों हजरत इमाम हसन, इमाम हसन को लेकर बंदा आके कह लगा हजूर मेरे घर बेटियां हैं पर पुत्र कोई नहीं। अली दे पुत्र हो, पीरां दे पीर हो, उन्हें आख्या पीरां दे पीर हो, मेरे घर धियां बड़ियां दौलत बड़ी पर पुत्र कोई नहीं। हाय सिख पुत्रां दी डाढ़ी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगिया घर घर उजर बहाने, और नबी भी रब तो पुत्र मांग दे, पुत्र मांग दे क्यों नस्ल पुत्रा तो जारी हो दिया ने। आरबे गड़ी रहमतुल्ला ले फरमांदे ने सिख पुत्रों दी सिख पुत्रों दी ए डाडी करें उजर बहाने भैये में बा ए में बा नबियां भी मंगे आओ कर करें उजर बहाने। जब इमाम हसन दी बारगाह च बंदा आ गया कहन लगा बेटियां ते बड़ियां ने मेरे कोल पुत्र कोई नहीं दौलत भी बड़ी है, अर्ज की अली दे लाल पीरां दे पीर वजीफा दे दो अल्लाह मैनूं पुत्र अता कर देवे। आपने फरमा जा अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर अल्लाह तेनूं पुत्र दे देवेगा। ओ बंदा गया कि होर आ गया उन्हें अर्ज की बारिश नहीं हो रही, फरमा तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर इखे आ गया बीमारी नहीं जा रही, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर इक ने आख्या मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। ये पांच बंदे चले गए इमाम हसन दे मुरीद ने अर्ज की लजपाला ये बीमारियां पांच दवाई कोई दई जांदे हो, फरमाया दवाई मैं कोलो नहीं दीती अल्लाह दे कुरान च दीती है। उन्हें अर्ज की कुरान की कहंदा है, फरमाया अल्लाह दे कुरान ने ना पंजा बीमारियां दा इयो इलाज दसया है। उन्हें अर्ज की सुनया तेरी बड़ी शान है हर गल दा जवाब कुरान च देंदे हो, फरमाया क्यों ना कुरान च जवाब देवां ओदी जुबान चूसदा रहा जिदे उत्ते कुरान नाज़िल हुंदा रहा। जिन्ना गुड़ती मुहम्मद को
अल्लाह तुहाड़ियां रौनकां सब सलामत रखे, वेड़ियां दियां रौनकां रब अता करे। मेरी मिल्लत दे नौजवानो, दोवें वीर इमाम हसन ते हुसैन हज करन जा रहे, अल्लाह सारे दे नसीब च करे। 25-25 हज दोवां वीरां ने पैदल मदीने तो मक्के कीते। तुसीं नहीं बोले सुभान अल्लाह, 450 किलोमीटर सफर है ते पैदल हज मदीने तो मक्के कीते। नाना एक बारी पैदल मक्के तो मदीने गए, उन्हें 25 बारी मदीने तो मक्के दा सफर कीता, उन्हें 25 बार यार दी सुन्नत अदा कर छड़ी, हज करन 25 बार। दोवें वीर उम्र दे टिकट रखे, तुसी भी रख दे, ए भी रख दे, क्यों ए माफा ते उम्र दे टिकट रखन दी वजह की है, ए आदत सानू मदीनेओ पई है। इमाम हसन हुसैन पता की करदे सन, ए ते टिकट देंदे ना, ओ लोकां नू ऊंट देंदे सन, घोड़े देंदे सन, जाओ ऊंट ते बह के ते हज करके आओ। अज टिकट देंदे ना, ओ ऊंट देंदे सन, ऊंट देके ते सवारी कोलों देनी, पैसे खर्चा कोलों देना ते कहना हज करके आओ। लोकां सवारियां ते बह के हज करन जाना ते आप पैदल तुर पैना, हाजिया ने सवारियां तो उतर के पीछे पीछे टुरना कि नबी दियो दो तरियो सानू सवारियां ते भेज दियो ते आप पैदल जांदे हो। आपने फरमाना नहीं, असा पैदल हज करना अपने आप ते आप ही फर्ज कर लिया है। दोवें वीर हज करन जा रहे, अचानक राह च भुख लग गई। इमाम हसन ने फरमा हुसैन भुख लगी, अर्ज की ओ कखां दी कुल्ली कुछ लैके आवां। दोवें वीर गए, माई बडेरी बाहर आई, फरमाया अम्मा जी भुख लगी, कुछ खावन दे दियो। माई ने सोहनिया सूरतां वेखियां ते आसमान वल वेख के रो के कहती, कदे एडा गरीब ना ना बना दो ते एडे सोहने परौने कदे खाली ना जान दे दी। नौजवानों, माई कहन लगी मेरे घर खावन लई कुछ नहीं। इमाम हसन फरमा लगे, माई जी असी किसे दे बूहे कदे गए नहीं, अज आ गए ते खाली असा जाना कोई नहीं। अम्मा जी एक पानी का प्याला ही पिला दो। माई कहन लगी, जे दो गड़ियां ठहरो ते दुध का प्याला ना लेके आवां। दोवां वीरां ने फरमा, माई जी ले आओ। नौजवानों, जेड़े वेले माई दुध का प्याला लेके आ गई, अद्धा इमामे हसन ने पी लिया, अद्धा इमामे हुसैन ने पी लिया, दोवें भी तुरन लगे। माई रोन लगे पई ते रो के कहन लगी, वे जांदियां दस जो केड़ी मां दे लालो, वे जांदियां दस जो केड़े बाप दी औलाद। इमामे हसन नूं कहन लगी, वे सुनिया वे जांदी वारी दस जाओ, कदे मिलन नूं जी करे किथे आवां। इमामे हसन ने फरमाया, अम्मा कदे मिलन नूं जी करे मदीने आ जाई। ते माई कहन लगी, वे जांदियां दस जाओ हुंदे कौन। मुड़ के कहन लगी, अम्मा जे कदे मिलन नूं जी करे मदीने आ जाई ते दाएं बाएं ना जावी, मुहम्मद दे पुत्रां दा वेड़ा पुछ के आ। तुहाडे कोल कोई अड्रैस पुछे ते तुसा कहना गुजरा वाला फुला मोहल्ला फुला गली। मेरे कोल को पुछे, मैं आखांगा सियालकोट फुला मोहल्ला फुला गली। इन्हां कोल को पुछे ते आखण लगे, लाहौर चंद्राए आ जायो। वाह मुहम्मद दे पुत्रो, तुहाडे अड्रैस तो सदके जावां। फरमाया, मदीने आके ते मुहम्मद दा घर पुछ के आ जाही। असी मुहम्मद दे घर वाले हां। तुम्हें वीर हज करके मदीने आए ना, एक दिन इमाम हसन ने उस माई नू मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई ने ना पहचानिया। आखरी गल ते सारी तकरीर दा निचोड़, माई ने ना पहचानिया, इमाम हसन पहचान गए। माई नू घर लिया के बड़े दिन खिदमत तवाजो कर दे रहे ते एक दिन माई कहन लगी, मैनू जान दियो। इमाम हसन ने माई नू 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता कीती। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਵੇਰੇ ਜੁਮਾ ਨਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਅਸਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਪਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 1 ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ 1000 ਬੱਕਰੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ 1000 ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਗਈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਫਰਮਾਦ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ।
माई नो इमामे हुसैन दे दर छोड़े। इमामे हुसैन ने भी बड़े दिन खिदमत की थी, माई टूरन लगी ना ते इमामे हुसैन ने भी 1000 बकरी 3000 दिरम देते दे के फरमान लगे, अम्मा जी जब पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन पर हुन बहुते नहीं दे रहा, किधरे बड़े वीर नु आ ना लगे कि मेरे नाल छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बन दे। माई 2000 बकरियां लेके मदीने टुरी ना, जदों मदीने दी जू चो निकलन लगी ना माई मुड़ के कहन लगी वे ना दिन खिदमत करते रहे हो, सची पूछो मैं पछाने कोई नहीं कौन हो। इमामे हसन दी अखा च थरू आ गए, रो के कहन लगी अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है, असी दोतरे मोहम्मद दे आ कयामत आ लैन दे असा तेनों उत्थे भी नहीं भुलना। माई 2000 बकरियां लेके जा रही की पढ़ती जा रही, पढ़ोगे रल के जिन्हों लगता मैं हजूर दे बूहे दा मंगता बन के बैठा ते मैं आया नबी पाक दे दीदार दी खैरात मंगन। ओ मंगे मेरे नबी दे बूहे ते बच्चियां दी खैर, कमली वाला एडा सखी खाली नहीं जे जान देंदा। मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमा देने सखी दे बूहे तो मंगता खाली टुर जावे, मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा, सखियां दे बूहे नू लाज लग जांदी है। इस वास्ते सखी बूहे तो मंगते खाली नहीं जान देंदे, जिन्हों लगता मंगता बन के बैठा इंज करे भाई इस तरह हाथ इस तरह खड़े करो सारे इत्थे रखियो, मैं वेखना किन्ने नहीं बड़ा खड़ा कीता जेड़ा ते मंगता हजूर दा इत्थे। अखियां बंद कर लो, गुंबद खिदरा दा तसव्वुर कर लो, इस मंगते बन के सदा दईए ते सारे मिलके पढ़िए सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा करदा तुसी पढ़ो मैं सुना, हथ बुलंद करो सारे भाई सारे कर जी आवाज ना पढ़ो एक बारी फिर पढ़िया जनाले अर्द करियो कमली वाले देख ले तेरी उम्मत बेवफा नहीं सोनिया आज भी खांदी भी तेरा है उम्मत गांदी भी तेरा है हाथ बुलंद करके मिलके पढ़ो सदा बस ए सदा बस रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह जिथे हो गरीबा
رسول اللہ جتھے ہوں دا غریب آدھا گزارا یا رسول اللہ آمین 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 اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس ہی موضوع تے کو میاں صاحب دا شعر سناؤ بلا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہیں ہن جڑا اس تو اچھا بولے پانچ وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے دی نسلہ میں چاہ حافظ قرآن پیدا ہون جڑا اس تو اچھا بولے ہونی در نیند نہ آوے جب تک کملی والے دے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آد اولاد آل اولاد تیری دا منگیتا جیڑا جیڑا ہے میرے نال پڑے آل اولاد تیری دا منگیتا صدقہ شاہ جیلانی ایتھے بڑے بڑے کہہ گئے ایتھے بڑے بڑے کہہ گئے آل اولاد تیری دا منگتا ایتھے بڑے بڑے کہہ گئے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امدد کنی ورکبول منو دست دامان آل رسول اس بوئے دے بڑے بڑے منگتے بن کے آئے لو آخر تے اے چکے کہہ رہے ہیں دو بجے تک بس پانچ منٹ رہ گئے توجہ ہے صدا و صدا روے تیرا دوارا اے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دے رہے میں ایک دن نبی پاک دے روز انور دے قریب تو گزریا میں حاجی صاحب جتنے سنا خان تشریف فرمانے زہیب اشرفی صاحب بھی تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا اسی سارے رمضان شریف اکثر مدینہ شریف کٹھے ہونے ہیں الحمدللہ اللہ سانو سارے نو بار بار نصیب کرے ہر سال نصیب کرے او پیر جماعت علی شاہ جنب تقریباً 70 حج کیتے اکثر زندگی دا حصہ مدینہ گزریا جدو عربی بڑے غریب سن جدو تیل دیکھو میں جو عرب جو نہیں سن نکلے بابا جی اودو بڑے امیر سن تے آپ نے عرب جو اس ویلے لنگر خانے بنائے جنہ دے اتے لکھا جماعت منزل آج بھی یہ لنگر خانے مدینے موجود نے عربیان نے لقب دیتا ابو العرب عربیان دا باپ یعنی عجمی ہو کہ عربیان نے انج پال دینے جو میں باپ اپنے بچے نو پال دینے آپ ایک دے نبی پاک دے روز انور دے قریب تو گزرے دیکھے ایک 10 سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنے آتے نبی پاک دے گمبد خضرا والے رکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے یہ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھلے مدینہ دے کتے دا پیر آیا آپ نو خبر ملی تے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ سید زادہ لکھا مریدان دا پیر مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے
ते रो रो के फरमाते ने इत्थे ही माफ कर दे यार नु शिकायत ना लावे इत्थे ही माफ कर दे अजी साहब इन जब पढ़िया करना की चढ़ चार दिती राम इजड़ चार दी फिरा मैं बदुआ दे मेरा गुलिया बेच शुमार आ जाए इस वास्ते करा मैं नित तरले कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए इस वास्ते करा मैं नित तरले कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए ओना गुलशन सना मनाए ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਆ ਤਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਰਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਦਰੇ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ फरमाया घर जाके अपनी अम्मी को खाना खा ले बच्चे दी चीख निकल गई ते रोके कह लगा बाबा जी मेरी माँ भी कोई नहीं ते मेरा बाप भी कोई नहीं मेरा होया जो कोई ना ते मैं कमली वाले नु आके पे कहना आना दईफो का या रसूल अल्लाह कमली वाले आज मैं तेरा परौना बन के आया पीर जमात अली शाह उस बच्चे नु लेके जमात मंजिल लेके लंगर मंगवा के रखिया बच्चा खाना खा रहा तीन दिन का भुखा आपने फरमाया बेटा तेनों पता है मैं कौन हाँ कह लगा बाबा जी मैनू नहीं पता कौन हो फरमाया मेरा नाम जमात अली शाह है मैं लखां मुरीदां दा पीर हाँ मैं सैयदज़ादा लोग मैनू अबू अल अरब कहते हैं तो बेटा तू इत्थे भुखा रहना है तेनों पाकिस्तान अलीपुर अपने पिंड ना ले चला उत्थे तेनों मैं मां दा प्यार भी देवांगा मां दा प्यार भी बाप दा प्यार भी खाना भी सोना जोड़ा रोज नवा लेके देवांगा ते आ जा तू मेरे नाल चल बच्चे ने लुकमा लबां दे करीब लियांदा ते रख दिता लुकमा रख दिता पी जमात अली शाह दा दामन पकड़ के नबी पाक दे रौजे ते ले आया कहन लगा बाबा तेरे पाकिस्तान च मां दा प्यार भी लभेगा फरमाया लभेगा अके बाप दा प्यार भी लभेगा फरमाया लभेगा इशारा करके कहन लगा उठे मोहम्मद दा रोजा भी लभेगा आपकी चीख निकल गई फरमान लगे पुत्रा उठे लभदा मैं मदीने की लैने आना सी बच्चा दामन छुड़ा के दौड़ गया ते मुड़ के कहन लगा बाबा रख अपना पाकिस्तान मैं अम्मा बगैर रह सकना अबे बगैर रह सकना मैं खाने बगैर रह सकना मदीने वाले बगैर नहीं रह असी की करिए असी कमली बाबाले बगैर रह सकते ही नहीं असी सोने दे जिक्र ओदियां महफिलां बाज नहीं रह सकते ओ बच्चा नाले दौड़दा जावे ते नाले मुड़ मुड़ आखे सदा व सदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह सैयद अज़ारा दे बेड़े दा सदका हाजी साहब साडे सब दे बेड़ियां ते बनेरियां ते डेरियां नू अल्लाह शाह ते आबाद रखे ए महफिल हमेशा आबाद रवे अल्लाह करीम साडा सब दा उना कबूल फरमा के जरिया नजात बनाए उना सखियां दी खैरात विचो अल्लाह सानू दुनिया कब्र हशर ते हिस्से नसीब फरमाए आमीन व